करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मनाए, गुण गावौ सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्य मय धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मुहि, यह संत समागम दीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ महामाया की जय। परम श्रद्धेय और राम कथा के अनन अनुरागी श्रोता संत समाज वंदनी विद्वत जन पूजनी गुरुजन, आप सबके श्री चरण में मोर सादर प्रणाम के साथ साथ गुप्त नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना हार्दिक बधाई देवत देवत। आप हर बड़ा ही पावन अवसर श्री राम कथा सत्संग के पावन माध्यम से जो विगत लगातार 2 वर्ष से सतत निरंतर राम कथा के अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे, उनमें हम मोला अपन वाणी ला पावन करे के शुभ अवसर मिले है। एकर बर श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए जतक भी हैं जेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान है, सबके प्रति मंगल कामना करत करत और जेला संत के उपाधि घलोक दे चुके हैं बीडी देवान जी घलोक है, आई संजय एस पटेल के प्रति मंगल कामना करत करत आओ। काबर ही रामचरित मानस में लिखे हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, लेकिन तद भी कहे बिनु रहा न कोई। यही भाव लेकर के अपन वाणी पावन करे बर आवन है ना। चलन भाव राज्य में और विशेष बात है एमे लगभग 7,000 श्रोता जुड़े हुए हैं। मैं कहा तो अतिशयोक्ति नहीं हो, काबर एमे जे एक एक वक्ता मन है और इकर मन 1,000 से कमती नहीं है, तो ये और इकर बीच में ऐसा राम कथा कहना और यह कहना चाहिए दीपक मल्ल सूर्य दीपक दिखाए प्रयास है। लेकिन चलो आओ हम और आप भाव राज्य में चलन जनकपुर, जहाँ राज दरबार भरे सभा में जहाँ की विशेषता है पुर नर नारी सुभग सूची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और यहाँ पर हमर पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज बड़ा सुखर सूत्र देते हैं, वास्तव में राम और सीता के मिलन हो ही कब, जब चारों समस्या हमर अंतकरण चतुष्टय के चारों समस्या के समाधान हो जाए, मन के ताड़का के विनाश हो जाए, बुद्धि रूपी अहल्या चैतन्य हो जाए, धनुष अहंकार रूपी धनुष के भंग हो जाए और परशुराम जी से जिसे चित्त के आकर्षण हो जाए और तब कहीं जा करके और कह राम और सीता ज्ञान और भक्ति के मिलन हो ही, और तब आओ रामचरित मानस के पावन प्रसंग जिमें अंत तो गत्वा जनक के दरबार में धनुष भंग के पश्चात और तब दूसरा सूर्य बाबा तुलसीदास जी संकेत करते हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, एक पतंग वहां रही से और ये दूसरा पतंगा तेही अवसर सुनि शिव धन भंगा आये उत्पल कमल पतंगा। और ये दोनों सूर्य वो किन बड़ा सुघर बात है, दोनों सूर्य में एक प्रकाश के रहते हुए भी दूसर प्रकाश की आवश्यकता काबर रही, या एक राम के रहते हुए दूसर राम की आवश्यकता काबर पड़ी। तो तब हम पंडित कहें राम किंकर महाराज जी बड़ा सुघर बात कथे, प्रकाश तो दोनों है लेकिन एक प्रकाश के हम
बड़ा बेसब्री से प्रतीक्षा करथन। और ये दूसर प्रकाश है, एकर प्रकाश जब आते तो हम खिड़की दरवाजा ला बंद करके घर में घुसरथन, कहें कौन से प्रकाश है भगवान और राम कौन है। ये अभी जिन ठंड के अवसर में जिन चलत है वो पवन सूर्य है, बाल पतंग है, और दूसर तरफ कहें ये जेठ के गर्मी के ऐसा तेज धूप है जेला हम खुले आंख से देख नहीं सकें। और तब कहें कि वास्तव में जे प्रसंग के ऊपर मूल चर्चा करना है तेन है विनयशील करुणा गुण सागर जति वचन रचना अतिनागर। तो यद्यपि ये में एक एक शब्द बाबा तुलसीदास जी तो गागर में सागर भर दे हैं, अर्थ अमित अति आखर थोरे। विनय की राम के जीवन में विनय भी बहुत है, सील भी बहुत है, करुणा भी बहुत है, और ये गुण को सागर है। लेकिन चर्चा में विशेष रूप से करे प्रयास करूं जयति वचन रचना अधिनागर, ये न वचन के रचना। और ये उपाधि परशुराम जी के द्वारा भगवान राम ला दे जाते। तो कहें एक राम के रहते हुए दूसर राम के आय का आवश्यकता कावर पड़ी। तो कहें एक तरफ देखें तो भगवान परशुराम जी जो है क्षत्रिय विरुद्ध विरोधी हो गए और ब्राह्मण मन के संरक्षण हो गए। दूसरी तरफ अहंता और ममता के समस्या महाराज परशुराम में रही थे, और ये दोनों के समाधान भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा, अहंता के समाधान भगवान राम के द्वारा और ममता के समाधान लक्ष्मण जी के द्वारा यही धनु पर ममता के हेतु। और साथ ही साथ ये प्रसंग में हम देखें तो भृगुवंशी के द्वारा रघुवंशी के प्रशंसा करे गए है, जय रघुवंश वनज वन भानु। ये और महत्वपूर्ण बात है कि भृगुवंशी के द्वारा रघुवंशी की प्रशंसा। और अगर देखें तो श्री परमात्मा राघवन सरकार के नीति में चारों नीति के जन प्रयोग कर रहे हैं, साम नीति के प्रयोग भगवान राघवन सरकार के द्वारा परशुराम के लिए, दाम नीति के प्रयोग सुग्रीव के लिए करे गए हैं, दंड नीति के प्रयोग भैया लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के प्रति करे गए हैं, और भेद नीति के प्रयोग आंजनेय हनुमतलाल जी के द्वारा विभीषण पर करे गए हैं। दूसरी तरफ रावण भी ये चारों नीति के प्रयोग करते, लेकिन क्या कर बार कहन वो साम नीति के प्रयोग शूर्पणखा ऊपर करके खुला छूट दे कर गए हैं। दाम नीति के प्रयोग वह अशोक वाटिका में सीता जी के ऊपर करे प्रयास करे थे, दंड नीति के प्रयोग वो विभीषण अपन छोटे भाई के ऊपर करते, और भेद नीति के प्रयोग अंगद के ऊपर करते। ये प्रकार से तो हम जिन चर्चक के ऊपर कर रहे हैं कि चले जयति वचन रचना अतिनागर, बड़ा वचन की विशेषता कैसे होना चाहिए। रामचरित मानस में कहीं न कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी कि ये, और ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के कहीं सत्य प्रिय वचन या विचार करके सत्य। और यही जो बात का तो भागवत गीता में है सत्यम प्रियम हितम च कहते हैं। संत मन के ऐसनो घलो कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि अगर भाला और बर्छी के कहूं घाव लगे है तो वो धीरे 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 वो समय पा करके औषधि के द्वारा वो ठीक हो जाते, लेकिन यदि शब्द के द्वारा कोनो घाव लगे है तो वो जीयत भर ठीक नहीं होवे। और संत मन के यही कहना है कि यद्यपि द्वापर युग में 18 दिन के महाभारत हो के अनेकों कारण हो सकते, लेकिन ये में एक प्रमुख कारण संत मन कहते हैं ये में द्रौपदी जी के द्वारा अपन महारानी द्रौपदी जी के द्वारा और दुर्योधन के प्रति वो शब्द आंधरा के बेटा आंधरा होते, यहू हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण कारण है। तेकरे से संत मन बड़ा सुघर बात बोलते हैं का शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक करते है घाव, ऐसा नहीं है शब्द की विशेषता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कहें कि भैया कागा का को लेते तुम, यद्यपि कर्कश बोली वाले हैं लेकिन वो ककड़ो से कुछ लेते का कागा का को लेते है कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के सबको अपनो कर लेती, ये वाणी की विशेषता। और कहें तेकरा से संत मन बड़ा सुघर बात कहते भैया कहना का है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और रन को शीतल करे आप बहुत शीतल हो, ऐसा वाणी की विशेषता। तो आओ विचार करे प्रयास करें कहीं सत्य प्रिय वचन विचारे सत्य
अब रामचरितमानस में यदि देखा तो लगते कि सत्य को न बोले तो मंत्र घलो कहा थे खाई पहिरे राज तुम्हारे और सत्य कहे नहीं दो समाज में तो ऐसा घलो सत्य कहते और ऊपर से ये कहा थे जो असत्य कुछ कहब बनाई तो विधि दे हम ही सजाई तो ऐसा असत और तुम सत्य कई बार सत्य में और कुछ मन के थे ओकर साथ कटु सत्य लगा देते तो एक उदाहरण के माध्यम से समझा। एक राजा के पास में वो अपना भविष्य जाने की जिज्ञासा रही से और तब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य मन आमे और उकर राजा के ओकर भविष्य के बारे में बताएं तो ये ज्योतिषाचार्य ऐस और किस महाराज आपके परिवार में आपके आयु अतका है कि आपके परिवार में कोनो मरे रवैया बचने वाला नहीं है पानी देवैया बचने वाला नहीं है। ऐसा बात ला सुनी राजा अपन सैनिक मान ला आदेश दिए ये कैद खाना में डाल दो। पश्चात कुछ दिन के बाद में एक दूसरा ज्योतिषाचार्य वो बताए कि महाराज आपके परिवार में सबसे ज्यादा आयु सबसे लंबा आयु आपके है महाराज। ये बात ला सुने और तब वो राजा बोले बहुत से पुरस्कार दिए सम्मान करिए तो देखन तो बात है तो दोनों एक के कहे ना दूसरे जन का कि महाराज आपके परिवार में सबसे लंबा आयु है माने जब से लंबा आयु है सबसे ज्यादा दिन की ही जीवे बाकी मन जीने वाला नहीं लेकिन बोला पुरस्कार दिए। दूसरा हद घरों कुल मिलाकर के यही प्रकार से बात कहें कि महाराज के तोर परिवार में कोनो मरे रे भैया बचेने वाला नहीं है माने तीन अकेला रिवे तो बात तो दोनों है लेकिन कहे कहे में अंतर है। अब दूसरा उदाहरण यदि देखें तो आंजने हनुमत लाल जी घरों का जब रावण के दरबार में बांध के गए इसे तो रावण लव वही बात की से जैन बात अभी अंगद के चलत भी चर्चा चलत रही से अंगद है घलो कोई बात लगत है लेकिन दोनों के कहे में बहुत अंतर है। कहें जानो मैं तुम्हारा प्रभुताई और सहस बाहुसन परी लड़ाई। आज रावण यद्यपि ये बात कोनो ली बता रही से लेकिन जब भरे दरबार में रावण के ये कहें तो ये रावण आंजने हनुमत लाल जी के बात सुन के कते गदगद होते और साथ ही समर बालिसन करी जस पावा आप बालिसन युद्ध करके आप ला जस के प्राप्ति हुई थे और तब ये बात ला सुन करके सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा और यही प्रकार से ठीक ठीक कई यही बात ला बाद में जब अंगद घलो की तो अंगद है जा करके रावण ला घलो कर उस बात कहते कहु रावण रावण जग के थे अरे ते बताये संसार में के झर रावण है काबर में दू चार झन ला जाना था बलि ही जीतन एक गये पता एक झन बलि ला जीतन गए जीते पर के राखे उ बांध ही सिसन है साला। और जब ये बात को सुनी रावण सत्या जथे है ना और दूसर के लिए एक बहोरी सहस बुझ देखा है ना हा? और बोला धाई धरा जिम जंतु विशेषा तो यद्यपि और कहीं एक कहत मोहिस्सा कुछ अति रहा बाली कर का मैं संकेत ये कह रहा था कि हे पर दोनों उही बात ला कहा थे लेकिन कहा है सत्य तो लेकिन प्रिय वचन नहीं और बाद में देखन अंततो गत्वा रावण ला कोनो याद ही से रामा दल के तो कहें बाद में अंगद जब की थे कहें उकर दल में एक जन हवे कौन का नाम है उकर बता कहें है कपि एक महाबलशीला। तो ये चर्चा रही है कहीं सत्य उकर बाद प्रिय वचन दूसरा है कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी सत्यम प्रियम हितम च तो प्रिय वचन यदि देखें रामचरित मानस में तो जे दिन महाराज जनक के दूत जब हाँ और वहां के समाचार लेकर के महाराज दशरथ के पास में जाते और तब अंततो गत्वा महाराज दशरथ कर वचन सुन करके और तब का कौन से वचन का तुम नीके नीचे नया नहीं निहारे अंततो गत्वा वो दूत मन कह दे थे ना देव देख तव बालक दो और अब न आंखी न तर आ ये आंखी के पास में कोई नहीं आवत है और तब महाराज कैसे लगे कहे दूत वचन रचना प्रिय लागी और प्रेम प्रताप वीर रस पागी ये हुए तो ये प्रकार से प्रिय वचन और ते बिचारी
और विचार के भी बात होना चाहिए। कहीं कुछ कहा था, यदि कई बार होते कि हम कोनो ला बहुत सत्य बात है सत्य वचन कहा था, अब भाई ककरो आंखें नहीं दिखत है, अब बोला अंधरा तो कहा था तो यह तो सत्य है, लेकिन वो जेकर वो दृष्टिहीन है बोल कतेक दुख हुई। अगर वही ला हम सूरदास या प्रज्ञ चक्षु और वर्तमान समय में तो दिव्यांग चिंजन चला थे, अगर ऐसे कहा था तो निश्चित रूप से ये सत्य के साथ प्री भी हुई। और दूसरा विचार कोनो बात कहें तो वो कला विचार करके भी कहना चाहिए। और देखो रामचरितमानस में महाराज दशरथ जब के पास में जाके विश्वामित्र महाराज के थे, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद मैं हो सना था, तो महाराज दशरथ का कहते महाराज आप बोले बर तो बोलत हो, लेकिन चौथे पन पायम सुतचारी भी प्रवचन नहीं करे विचारी। तो ये प्रकार से विचार के भी बोलना चाहिए तो कहें कि हितकारी होना चाहिए, ये वचन हितकर भी होना चाहिए। तो वचन परम हित सुनत कठोरे, परम हित करो वचन थे वो कठोर विरोह है, तो सुन ही नर कहें ते प्रभु थोरे। ये प्रकार से कहें कि वचन की विशेषता होना चाहिए, सत्य हो प्रिय हो और हितकारी हो और विचार पूर्वक बोलना चाहिए। तो यही सन और तब आओ भगवान राघवेंद्र सरकार के जिन प्रसंग पर चर्चा करे पर जाता हूं, जयति वचन रचना परशुराम जी के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार पर कहें कि आप विनय में सील में और करुणा और गुण के सागर हो, और साथ ही साथ आप जो है कहें कि वचन के रचना में आप सर्वश्रेष्ठ हो। और यह प्रसंग में परशुराम जी के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार ला नौ नौ बार जय 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 शब्द से संबोधित करेंगे हैं। और दूसरी तरफ यही रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी जब कैकेयी के भवन में भगवान राम जी थे, और तब एक विशेषण भगवान राम बदिन बोले बचत विगत सब दूसर, जब कैकेयी के भवन में जाकर के जब भगवान राघवेंद्र सरकार के दुख के प्रथम सामना होते, और तब भगवान राघवेंद्र सरकार जो माता कैकेयी के सम्मुख बोलते, और तब ओकर वर्जन विशेषण दिन कहें बोले बचन विगत सब दूसन मृदु मंजुल जन बाघ विभूषण। मानो या भगवान राघवेंद्र सरकार मानो ये जन बोलना चाहते, ये है निश्चित रूप से ये विभूषण है, अलंकार है, सजावट है, श्रृंगार है। तो ये प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा है तो वचन के बल रामचरित मानस में यदि देखें तो वजन वचन के लिए बोलते कहूं मेरे वजन बच रहे और है कहा बहुरी सक्रसम विनमोते ही संत सुरानी के हित जय ही वचन बज, ये वचन घरों वज्र के समान होते। कैकेयी के लिए बाबा तुलसीदास जी लिखे जब कैकेयी बोले तो कैसे कहा है जीभ कमान माने धनुष बाण है और वचन सर नाना है ना। दूसरी तरफ बोली भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुबिहंग समाज भिल्ल निजी में छाण चाहती वचन भयंकर बाज। ये प्रकार से और परशुराम भी जब बोला थे बाबा तुलसीदास जी लिखिन वो बोलत नहीं है तो क्या करत है भृगुपति बकही, यहाँ बकत है शब्द के प्रयोग कर रहे हैं, भृगुपति बकही कुठार उठाए और मन मुस्कार राम सिरनाए। तो यहाँ पर तो वाणी के लिए यही शब्द के प्रयोग करे गए है तो राम। और तब अंत तो गत्वा भगवान राघवेंद्र सरकार जी के द्वारा और जिन परशुराम जी के द्वारा जो विशेषण दे जाते तो देखें जब परशुराम जी ऐस और तब भगवान राघवेंद्र सरकार का बोले है ना नाथ संबोधनी भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ के संबोधन से वो कितने नहीं। तो दूसर तरफ जब परशुराम है तो परशुराम जी वह कहा पहली का कहा थे रे शब्द से प्रयोग करी सठ कही तू कही तहू कही बाम कही छली कही आदि कठोर शब्द के प्रयोग करी से और अपमानजनक शब्द के प्रयोग करे है, लेकिन एकर प्रत्युत्तर में भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा में सर्व समर्थ होते हुए भी
कोई प्रकार से न दंड दे जथे न कोई प्रकार से अपमान करे जथे। तो कहें नाथ संबुधनु भंजन हारा हुई है केवल एक दास तुम्हारा, आपके ही कोई दास हो सके थे महाराज, कोई अन्यथा नहीं हो सके। दूसरी तरफ बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि दिन राम कहे और रिश्तजे मुनिषा, हे मुनिषा आप रिस लतजो कहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कथी जे ही रिस जाई करे सो स्वामी, कि आपके जिन प्रकार से रिस जाए बोले मोला बताओ मैं करो, और मोह जानी आपन अनुगामी, अपन अनुगामी जान करके मोला। और तब अंत तो गत्वा दूसरी तरफ हमारे पूज्य गुरु पंडित राम किंकर महाराज जी के थे, भगवान राम कौन है कहीं जिन सबला राम बना दे, जिन सबला राम बना दे वो भगवान राम है। और परशुराम का है कहीं संसार में एक राम रही दूसरा राम रहने वाला नहीं है। तब भगवान राम के बात लो सुनकर के जिस कर परितोष मोर संग्रामा, मोसन ते युद्ध कर कहन महाराज युद्ध करे का जरूरत नहीं है का, सब प्रकार हम तुम संहारे, अरे हम हर प्रकार से आपसे हार माना था। और ये बड़ा विशेषता, और कहें वास्तव में भगवान राम के जीत माने सारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति की जीत है। तो सब प्रकार हम तुम संहारे, परशुराम की ऐसा कहे में काम नहीं चले, तो का करन लगी कर परितोष मोर संग्रामा, मोर सन युद्ध कर, नहीं तो छाड़ कहा वो ब्रामा, अपन नाम ल बदल, संसार में एक ही राम रहे दूसरा राम नहीं रहे। और तब भगवान राम की प्रभु उन्हें कोनो समस्या नहीं है, काबर समस्या नहीं, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, आपके नाम पांच पांच अक्षर के महाराज, परसु राम पांच अक्षर के, और राम मात्र लघु नाम हमारा, आपके नाम से आधा से भी छोड़े है छोटे है, तो उनमें कोनो समस्या नहीं है, राम मात्र लघु नाम हमारा। लेकिन यहां भेद, और तब अंत तो गत्वा महाराज भगवान परशुराम जी द्वारा धीरे धीरे जब भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा एक एक करना युद्ध करे, और यहाँ तक कह देते सब प्रकार हम तुब संहारे और क्षमहु विप्र अपराध हमारे, हे ब्राह्मण महाराज, हे महाराज हमारा अपराध ला क्षमा करो। और कहे तो कहें तोर में तेह धनुष ला तोड़े है तोर कर बहुत अगन गुण हो ही, कहे महाराज बोल कर एको ठन गुण नहीं है, लेकिन आपके पास में नौ नौ गुण है, और ये सब गुण के द्वारा अंत तो गत्वा। और तब जब महाराज है ना, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी मृदु गुढ़ बचन रघुवर, सुनी मृदु और गुढ़ ये बचन रघुवर के, और तब उघरे पटल परसु धर्मति के, और तब कहें राम रमापति कर धनु। पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा सुघर बात कहते हैं कि वास्तव में ये अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक के यात्रा में भगवान राघवेंद्र सरकार तीन महापुरुष के द्वारा धनुष के साथ में तीन प्रकार से परीक्षा लेगी। सबसे पहली गुरु विश्वामित्र जी चले जात मुनि दिन न दिखाई, और सुनत ताड़का क्रोध करिया इसके राम एकर ऊपर धनुष चला के, तो विश्वामित्र है धनुष ला चलवा के परीक्षा ली से, तब ऋषि निज नाथ है चिन्ही। और दूसरी तरफ बाद में महाराज जनक के द्वारा धनुष ला तोड़वा के ऊपर परीक्षा लेगी से, और अब ये तीसरा महापुरुष जन परशुराम जी आते, और ये मानव ये ये धनुष ल खिंचवा करके और तीनों महापुरुष के द्वारा परीक्षा लेके पश्चात विश्वामित्र है धनुष ल चलवा के कहन कहन विद्या के समर्पण करते, विद्या निधि कहूं विद्या दिन ही। और महाराज जनक जनक हा धनुष ल तोड़वा करके अपन पुत्री के समर्पण करते, और भगवान परशुराम जी है धनुष ल खिंचवा करके वो धनुष ल समर्पण करे के पश्चात, और तब जय 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 कार कर कर जय रघुवंश बनस बन भागु, और भृगुवंश के द्वारा रघुवंश की प्रशंसा, और गहन कहें जय सुर विप्र देनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्मारी, और तब कहें जयति कहें जयति वचन रचना थिनागर, आपकी जय हो, आप वचन रचना में सर्वश्रेष्ठ हो। और वास्तव में कुछ बोलना है, कुछ ककरो से गोठियाना है, कैसन गोठियाना है, हम रामचरित मानस के पावन प्रसंग के माध्यम से देखा तो भगवान राघवेंद्र सरकार के यत्र तत्र सर्वत्र कैसन बोलते, अपन जब भगवान राघवेंद्र सरकार युवराज के पद
के घोषणा हो जाते कल युवराज पद दे जही, और तब अयोध्या के जितने बाल सखा हैं गदगद होकर के, और जिन प्रकार से आजकल कोनो मंत्री विधायक या कोनो के टिकट मिल जाते, केवल टिकट की घोषणा होते ही बधाई देने वाले तांता लग जाते, ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो सखा मन है वो जा करके और प्रभु के समक्ष जाके बधाई देवर जाते हैं, और तब बाबा जी चित्रण करते हैं, बाल सखा सुन ही हर्षाही, अब मिली दस पांच राम पहि जाहें, दस पांच जन मिलकर के भगवान राघवेंद्र सरकार के मिले बर जाते हैं। लेकिन आज एकर पहली भी ये सब सखा मन जाए, भगवान राघवेंद्र सरकार जैन आवक जगह जैन अवस्था में जैन हाल में रहे हुई हालत में वैसे बैठे बैठे भगवान से सखा मन से मिले, लेकिन आज भगवान राघवेंद्र सरकार का कहते प्रभु आदर ही प्रेम पहुंचे, आज खड़ा होकर के स्वागत करते हैं और आदर देते हैं, और उनका प्रेम और पूछ ही कुशल खेम विद्वानी, और उनका कुशलता के बारे में पूछते हैं, और ये व्यवहार देख करके और सब अन्य बाल सखा मन कहते हैं प्रभु अरे एकर पहली भी हम आपसे मिलत रहे, रोज मिलत रहे, लेकिन आपके आज व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे थे, ऐसा काबर। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार बड़ा सुंदर बात की थे, सखा हो तुमन काली ज्वार भी वैसने रहे हो, आज भी वैसने हो और काली भी वैसने रहो, लेकिन मैं ये सत्ता ला स्वीकार करके ये पद ला स्वीकार करके छोटे हो गए हो, और तेकर सेती मोला तुम्हन मन के स्वागत करता हूँ। और तब उनकर मन के विचार ये भाव भावना जागृत होते, को रघुवीर सरी संसार, रघुवीर शब्द के विशेषता ने लगा करके का सील स्नेह निबान हारा, और ये प्रकार से प्रशंसा करत करत जाते भगवान राघवेंद्र सरकार के वचन रचना ले यदि देखें तो माता कौशल्या के पास में थे, और जब माता कौशल्या आनंदित थे कि आज मोर बेटा है युवराज पद में अभिषिक्त हो ही, और कई कई के भवन से निकल के जाते हैं, जो मन भाव मधुर कुछ खाओ, और तब कहते माँ पिता दिन मुहे काना नाराजु, और कतिक सुघर बात कहते माँ ये पिताजी है तो पहली तो आपके जो समाचार सुने रहे वो छोटे समाचार रही से, मैं बड़े समाचार बता था, पहली तो मतलब केवल युवराज पद दिए जात रही से, लेकिन अब तो मैं राजा बनने जाता तो पिता दिन मुह कानन राजू जह सब भांति मोर बड़काजू, तो ये प्रकार से वचन रचना अति नागर, और ये विशेषण देने वाले कौन है, भगवान परशुराम जी जो हैं, और कहें जय शरीर छवि कोटि अनंगा करम काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मनमान संसा, और कही जय जय जय, ये प्रकार से नौ नौ बार जयकार 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 कर रहे के करत हुए जाते। अब कहें कोनो परशुराम जी ले पूछन कि आए नौ नौ बार जयकार जयकार कहे कि आवश्यकता का है, तो कहें एकर सेती मोर नौ बार जयकार कहे करे के कहे कि एकर पहली थोड़ा देर पूछे तोर में गुण बहुत हुई, राम के हित मोर करे एको ठन गुण नहीं है, केवल एक गुण धन हाथ हमारे, कहें नौ गिन परम पुनीत तुम्हारे, तो कहें नौ धन गुण का है, निग्रह इंद्री दमन तप शौच शांति सरलता ज्ञान विज्ञान, ये सब नौ नौ ठन गुण है, मानो ये नौ गुण ला भगवान ला समर्पित करते हुए तेरा तुझको सौंपता क्या लागे थे मोर, तो ये प्रकार से तो भगवान राघवेंद्र सरकार के राम और राम ये प्रसंग ला हमारे पूज्य गुरुदेव ये लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं राम राम संवाद कथे, और राम और राम के संवाद के द्वारा, और यहाँ पर भगवान राम के वचन कैसा है, एक तरफ लखन उत्तर आहुति सरित, जब लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद चले तो बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुघर चित्रण करते कैसन दिखते था, मानो अग्नि जलत हुए, कौन से अग्नि, भिगुबर कोप कृषाणु, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि जलत है, निश्चित रूप से रिस तन जरई भूत और क्रोधला अग्नि के समान कहे गए हैं, तो कहें कि लखन उत्तर आहुति सही, अब कहूं मेरे अग्नि जला थे हवन कुंड में यग्नि मान ले जला थे, उमे जत के घी डालबे तो का हो ही वो अग्नि और तेज हो ही और भड़क ही, तो कहें लेकिन ये जब ये भड़क जाती तो सारा संसार भी जल जाती, तो लेकिन करे का भगवान राम का बढ़त देख ये अग्नि ल बढ़त देख करके क्या करे जल सम बचा,
ये अग्निल बढ़त देख के, बढ़त देख जल सम वचन बोले भानु कुल भानु, ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार ये संपूर्ण ये यहाँ तक कि थे भंजे वो चाप दाप बड़ बाड़, अरे ते धनुष तोड़ कर से तोड़ कर गर्भ हो गए अभिमान हो गए है ना, और अहमिति मन जीत जग ठाड़ा और कहे जो कोनो नहीं तोड़ सके। और यदि अगर ऐसा की थी तो उनमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं रही से, पहली तो एक एक राजा जाकर के थोड़े प्रयास करते हैं, बाद में भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठामन ठरा नेटारा ऐसा ना धनुष लभी तोड़े है, तो निश्चित रूप से ये बात हो सकत है। लेकिन भगवान राम में काके थे, कहे राम कहा मुनि कहु बिचारी रिस अति बड़ी, आपके रिस बहुत बड़े हैं, और कहे का हाँ लघु चूक हमारी मोर चूक या मोर से गलती या मोर से अपराध बहुत छोटे है, आप छोटे है, छुअत ही टूट पीना पुराना महाराज, सबके एक समय आते जाए के समय आते, मैं मात्र वो विहंसुर छुए भर हूं, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभियान। अब मुरखरा भी मान करे कौन छुए टूट गए तो महाराज मान करे कोनो बात नहीं है। और ता? और दूसरा बात बड़ा सुघर बात की तो कहे ते कोनो नहीं दरबार कह महाराज में भक्त है कहे विप्र वंश के असी प्रभुताई, ये हाँ आपके महिमा आओ ब्राह्मण समाज के ऐसे महिमा है कि अभय हो ये जो तुम्हें डरा है, कहे महाराज मैं कोनो नहीं डरा लेकिन काकर से थी मैं आप ला डर रहा था, तेकर से थी मैं कौन नहीं डरा, ऐसे जब सब बात ला चले और अंत तो गत्वा जब धनुष भगवान उनके पास में चले जाते और तब बाबा तुलसी लिखते जाना राम प्रभाव, तब हमारे पूज्य गुरुदेव की थे वास्तव में ये परशुराम के प्रसंग स्वरूप विस्मृति के प्रसंग है, जिन्हें अपूर्ण के द्वारा जब पूर्ण के साक्षात्कार हो जाते तब उकर जीवन में पूर्णता के प्राप्ति होते, तो कहने जाना राम प्रभाव तब पुलक पर भुल्लित गा। एक तरफ देखन तो लगते यहाँ पर कि परशुराम जी के पराजय हो है राम के विजय हो है, लेकिन अद्वितीय बात है ये प्रसंग में न ककरो पराजय हो है और न ककरो जय हो है, और तब जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। और वास्तव में ये सूत्र का है, यहाँ पर विजय के सूत्र उत्तर कांड के वो पावन प्रसंग दोह क्रमांक 120 का है ना, बीरति चरम असि ज्ञान मद लोभ मोह रूपी मारी जय पाई सो हरि भक्ति देखो खगेश विचार। तो यहाँ जो हरि भक्ति प्राप्त करेगी जो सूत्र है तो कहें और भगवान यहाँ भगवान राम के द्वारा शंकर जी के धनुष तोड़े गए हैं और साथ साथ विष्णु के धनुष अपन स्वीकार करे हैं। तो ये प्रकार से रामचरितमानस के ये पावन प्रसंग जहाँ पर एक सुघर संकेत हमारे वो आपके जीवन में जिन मिलते वो ये कि हम बचन तो काबर ये संवाद के सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और एकर बिना तो हमारे काम चलने वाला नहीं है, लेकिन ये बानिल हम कैसे बोलन तो शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द औषधि करे एक करत है घाव, वही शब्द है हमला स्वागत सम्मान भी प्रदान करते और वही शब्द है अगर कठोर शब्द है तो निश्चित रूप से डंडा बरसा देते। अब द्रौपदी के एक शब्द 18 दिन के महाभारत के युद्ध लछड़वा देते। तो यहाँ और यहाँ दो राम के दोनों के दर्शन और अंत तो गत्वा है ना कि एक राम है वो सब लगे थे कि सब राम बन जाए और एक परशुराम है एक दूसरा राम है वो पूछे संसार में केवल एक राम रहे, लेकिन पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के दर्शन है वो अयोध्या से लंका तक या खरदूषण मन देखन 14,000 भगवान राम बना देते। अगर वो विडम्बना तो होकर ही बात करी है वो अगल बगल ल तो देखे लेकिन अपन तरफ ल नहीं देखे, भगवान सब ल राम बना दे रही से, यदि वो अपन तरफ ल देख लेते तो कहीं जेकर सन में लड़त हम वो राम है मोहदान है तो युद्ध रुक जाते। लेकिन तो ये प्रकार से है ना और भगवान राघवेंद्र सरकार जी के द्वारा संक्षिप्त में विनय विनय
विनय है, शील है, करुणा सागर है। तो विनय भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा विनय बड़ों के प्रति करे जाते और भगवान क्या विनय विनती करते हैं कि सब प्रकार हम तुम सनहाने, बड़ों के प्रति विनम्रता के गुण होना चाहिए। शील बराबर वाले मन के लिए शील के प्रयोग करते हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार रामचरित मानस में अपन तीनों सखा, ये अन्य भी जो सखा है सबके प्रति सखा भाव, सखा कही तुम नीक विचारी है, मम पन शरणागत बहारी, सुग्रीव के प्रति भी वही बात कहें और वह पहुंचा है। और करुणा जो रह है वो करुणा जो है अपन छोटे के प्रति भगवान, ये तो विनय ला बड़े के प्रति, शील बराबर वाले के प्रति और करुणा जो है छोटे के प्रति। और देखन रामचरितमानस में यदि देखन तो गंगा घाट के वटपट प्रेमी के प्रति भगवान राघवेंद्र सरकार करुणा प्रस्फुटित हो जाते, सुनी के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चित, वहां पर भगवान के करुणा प्रकट होते थे। तो ये प्रकार से हमारा आपके जीवन में बड़ों के प्रति विनय हो, बराबर वाले के प्रति जीवन में समत्व के भाव हो, शीलता हो और करुणा छोटे के प्रति हो। और जयति वचन, यहाँ वचन के रचना में रामचरितमानस में यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा सकते भगवान राघवेंद्र सरकार के वचन है ना। वाल्मीकि के आश्रम में गिन के हम ये जो तुल वनवास हो है सब पर समस्या उत्पन्न हो करें, तो बड़ा भगवान राघवेंद्र सरकार कतेक बड़ा सुघर बात करते हैं कि महाराज यहाँ मो कहूं दरस तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव है, पात तात वचन पुनि मात हित, यहाँ पिता के वचन की रक्षा होते, माता जी के वचन माता जी के हित होते, भाई भरत भाव किन किन पिता के भी वचन की रक्षा, महतारी के हित के भला और साथ ही साथ मोर छोटे भाई भरत और जैसे राजा के प्राप्त हो क्या सबलत प्राप्त हो, तोलत तो दुख हो गए, तोलत तकलीफ हो गए, तोलत कुछ होने मिले। तब भगवान राघवेंद्र सरकार जिन जन है वचन रचना अति नागर है ओकर द्वारा कहे जाते प्रभु सबसे ज्यादा फायदा भी तुम्ही हो, कैसे कहे मो कहूं दरस तुम्हारा प्रभु सो मम पुण्य प्रभाव। तो प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कुछ टूटी फूटी भाषा में वचन की विशेषता और विशेष करके भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा प्रखिक प्रयास करें त्रुटि संभावित है ओकर वर क्षमा चाहत हुए जुड़े हुए समस्त मानस के उद्भट भक्त मानस रत मन को बड़ छोट कहत अपराध सबके चरण में सादर प्रणाम करते अपन वाणी विराम दे था पुनः बोलिए।